यहाँ पर कुछ फिनोटिपिक रेशियो दिए गए हैं और हमें उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें से किस तरह के रेशियोज आते हैं। देखो क्या होता है कि जनरली एक जीन दूसरे जीन को कभी भी प्रभावित नहीं करता, ठीक है, बट एपिस्टेसिस ऐसा होता है जिसके अंदर ये पॉसिबल है। ठीक है, तो एपिस्टेसिस के एग्जाम्पल्स होते हैं ये इस तरह के। तो इसमें रेशियो अगर चेंज हो जाए, जनरली क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करते हैं तो उसका अगर जीनोटाइप हम देखते हैं तो ये कितना होता है, ये होता है 1:2, 2:1। ओके, और फिनोटाइप कितना होता है, ये होता है 3:1। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस की, ठीक है, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जीनोटाइप रेशियो जो है वो इसका आ जाता है 1:2, 2:2, 1:2, 2:2, 1:2, 2:2। ओके, और ये है 1। ओके, और फिनोटाइपिक रेशियो इनका आ जाता है 9:2, 3:2, 3:2, 1। तो ये इनका रेशियो रहता है। ठीक, बट कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर चेंजेस आते हैं। चेंजेस किस में आते हैं, जीनोटाइप तो वही रहता है लेकिन फिनोटाइप के अंदर चेंजेस आ जाते हैं जो मेंडेलियन जेनेटिक्स से परे होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चेंजेस आता है, देखो नॉर्मली डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होना चाहिए, 9:2, 3:2, 3:2, 1। बट इसमें अगर कोई भी चीज जुड़ जाए और अलग तरह का रेशियो देना शुरू कर दे तो वो क्या हो जाता है, वो फिर एक अलग रिजल्ट आ जाता है और वो एपिस्टेसिस होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि यहाँ पर ये आ जाए 15:2:1, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये आगे वाले थे 9:3:3, ठीक है, ये तीनों ही जुड़ गए और इधर एक रह गया, तो कितने हो गए 15:1। ठीक है, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जी इंटरेक्शन। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन हो गया। अगर यह और चेंज हो जाए और इस तरह से आ जाए 9 और पीछे वाले जो है 3:3:1, ये तीनों ही जुड़ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9:7, है ना। तो इस तरह का 9:2 अगर 7 हो जाए, ठीक है, तो ये सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री अलग 9:7 जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, मैं ऊपर से हटा देता हूँ। अब 15:1 डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस होती है ना, इसको एक बार करेक्ट कर देता हूँ। तो ये होती है डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस, मतलब जितने भी डुप्लीकेट डोमिनेंट जहां जहां है वो सारे जुड़ जाए, इस तरह से डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस हो जाती है। और 9:7 की अगर हम बात करते हैं तो 9:7 किसका रेशियो होता है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। ओके, तो ये इसका होता है आंसर। ओके, अब और कौन है इसके अलावा, जैसे मान लीजिए अगर रेशियो चेंज हो जाए और ये आ जाए जैसे कि 9:2, 3:4, यानी पीछे वाले 3 और 1 जुड़ जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 9:2, 3:1। और ऐसे यानी कि कोई भी एक 3 वाला और एक 1 वाला जुड़ गया, तो इस केस में जो ये आंसर आएगा ये किस तरह का, ये होता है सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे हमें अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं, यानी कि इसका मतलब 9:2, 3:2, 3:1 ना मिल करके कुछ अलग रेशियो मिलता है। लेकिन एक एपिस्टेसिस का केस ऐसा भी है जिसके अंदर ये सेम रिजल्ट भी मिलता है, यानी कि 9:2, 3:2, 3:1 भी मिलता है। और ऐसा आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा कॉम्ब वाला, ठीक है, जो हम मुर्गों में पढ़ते हैं। ओके, बाकी कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जाम्पल, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल है फ्लोर कलर इन लेथेरस ऑर्डिनेटस जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसका आंसर क्या
क्या होना चाहिए? यहाँ पर हमें पूछा गया कॉम्प्लीमेंट्री चेन इंट्रैक्शन, और ऐसा आंसर एक है 9S2 7, यानी कि फोर्थ।